द्वारा कैसे करना है और 5 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो 5 नंबर के क्वेश्चन में कहा है कि एक टीवी खरीदा है कितने में, 10,000 में, और उन्होंने सेल किया है 20% प्रॉफिट लेके। तो हमें पता करना है कि वो वाली वैल्यूज कितनी है, कितना प्रॉफिट लेने के बाद कितने में बेचा होगा। तो यहाँ पर टीवी की जो वैल्यूज है, मतलब खरीदी हुई वैल्यू, मतलब सीपी उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर है 10,000 रुपीज, और उन्होंने 20% प्रॉफिट के बाद वो वाली टीवी बेच दी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10,000 का 20% करेंगे, वैल्यू क्या आएगी, 16,870
5, इतनी वैल्यू में उन्होंने खरीदा होगा तब जाके 20% लॉस मिला के वो लोग बेच रहे हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, उसके अंदर तीन आपको गैसेस के नाम दिए और उस हिसाब से उसका रेशियो दिया हुआ है और रेशियो का हमें क्या निकालना है, परसेंटेज, पर किसका, कार्बन का। तो यहाँ पर कैल्सियम, कार्बन और ऑक्सीजन, उस हिसाब से यहाँ पे 10:3:12 इतना दिया हुआ है और फाइंड करना है कि कार्बन का परसेंटेज कितना है। तो सबसे पहले रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हमारे लिए बहुत ही इजी है क्योंकि हमने इसी एक्सरसाइज में ये वाले सम्स सॉल्व कर लिए हैं। तो कार्बन, पार्ट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 10+3+12 मतलब टोटल होता है 25 और कार्बन का कितना है 3:25 मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितना है 3/2500 क्योंकि परसेंटेज में ढूंढना है। 25 × 4 = 100, 3 × 4 = 12, तो 12% क्या मिला हमें, कार्बन। मतलब ये जो भी रेशियो दिया है उस हिसाब से उसके चौक के अंदर 12% क्या है, कार्बन है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड नंबर का सॉल्व करते हैं। कार्बन इज इक्वल टू 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ चॉक स्टिक। एक चॉक स्टिक के अंदर कार्बन की जगह कितनी है, तो 3 ग्राम है। तो वो चॉक स्टिक है जो, उसकी टोटल वेट कितना होगा वो हमें फाइंड करने का बोला है। तो हमें चॉक स्टिक का वेट पता नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, लेट द वेट ऑफ चॉक स्टिक इज इक्वल टू एक्स, उसको एक्स ले लेते हैं। अब यहां पर हमें हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर ढूंढा था कि कितना परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन है 12%। तो 12% ऑफ एक्स मतलब किसके 12% है, तो एक्स के, पर एक्स हमें पता नहीं है, मतलब उसका वेट कितना है और उस वेट के अंदर से 12% उसका है, पर कितना, 3 ग्राम। इसका 12% 3 ग्राम होता है तो हमें x वाली वैल्यू फाइंड करनी होगी। 12/100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 3। अब इसको रेसिप्रोकल करने जाए तो x इज इक्वल टू 3 × 100/12, 3 × 4 = 12, 25 × 4 = 100 मतलब x इज इक्वल टू 25। ये 25 क्या है कि 25 में से, मतलब चॉक स्टिक का वेट है ये 25, उसके अंदर से 3 ग्राम क्या है, कार्बन, बाकी सारी दूसरे होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर एक के अंदर कहा है कि एक अमीना नाम की लड़की है, वो 275 रुपीज में बुक्स खरीदती है और सेल लॉस ऑफ 15% का लॉस लेके वो बेच देती है। हाउ मच डस दिस सेल इट फॉर। अभी तक हमने कॉस्ट प्राइस भी ढूंढी है और सेलिंग प्राइस भी ढूंढी है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है और सेलिंग प्राइस हमें ढूंढनी है, पर किसके सेलिंग प्राइस, सेल ऑफ लॉस 15% लॉस लेने के बाद। तो यहाँ पर 275 ऑफ 15%, तो उसके लिए क्या, यहाँ पे उल्टा भी लिख सकते कि 15% ऑफ 275 रुपीज, 15/100 × 275, 3 × 5 = 15, 25 × 100, 5 × 4 = 20 और 55 × 275। अब देखो 55 × 3/4, अभी जो यहाँ पर 55 को 3 से मल्टीप्लाई करेगी तो 3 × 5 = 15, 15 का 5 नीचे बनाएगा ऊपर, 3 × 5 = 15 + 1 =
16 upon 4। अब इसका हम डिवाइड करते हैं, तो 165 upon मतलब 4 से डिवाइड करते हैं, 4 4 16 और 0 0 ऊपर 17 5, 4 1 4 वन बचा 0.02, 4 2 8 2 बचा यहाँ पे 5 20 मतलब 41.25 आता है। अब ये 41.25 क्या है? लॉस। अब लॉस हमें मिल चुका है, तो उसका जो है सीपी मतलब सेलिंग प्राइस ढूंढनी हमें कि कितने में सेल किया होगा, तो सीपी माइनस लॉस। सीपी हमारे पास है 275 माइनस 41.25। अब इसको माइनस करते हैं, पॉइंट डेसिमल रखना पड़ेगा और उस हिसाब से हमें माइनस करना है। 10 9 4, 10 में से 5 जाए तो 5, 9 में से 2 जाए तो 7, 4 में से 1 जाए तो 3, 7 में से 4 जाए तो 3, 2 मतलब 233.75 रुपीज में उन्होंने बेचा होगा। याद रखते हैं।